घटना को भगाने का सिर्फ एक हथियार, खुद कम हो जाएंगे केस। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आग्रह पर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। जब तक इस महामारी से निपटने की कोई दवा इजाद नहीं होती, तब तक इसे सिर्फ समझदारी से मात दी जा सकती है। अगर आप अपने जहन में सिर्फ 8 बातें बिठा लें, तो यकीनन मानिए कोरोना खुद ब खुद घुटने टेक देगा। घर में रखे डिस स्पॉन्ज का कई लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वायरस के रोगी में लक्षण बहुत देरी से नजर आते हैं, इसलिए जूठे बर्तनों को मांजने के बाद दोबारा स्पंज का इस्तेमाल ना करें। रोगी के ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना वायरस इसमें बड़ी आसानी से अपनी जगह बना सकता है। टेलीविजन या एयर कंडीशनर के रिमोट पर दिन भर ना जाने कितने ही लोग अपने हाथ लगाते हैं, इनमें भी कई तरह के कीटाणु छिपे रहते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए ऐसी चीजों पर जितना कम हाथ लगाए बेहतर होगा। अगर आप अपने आसपास की शॉपिंग स्टोर से खरीदारी करने जा रहे हैं, तो वहां मौजूद सामान रखने वाली ट्रॉली का भी बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें। मुमकिन हो तो ऐसी चीजों को ग्लव्स पहनने के बाद ही हाथ लगाएं। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एटीएम मशीन को बंद नहीं किया है। दिन भर यह जरूरतमंद लोग पैसा निकालने आते हैं। इनमें से अगर एक भी संक्रमित होता है, तो मशीन पर वायरस बड़ी आसानी से जम सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने वक्त सावधानी बरतें। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने हो तो खाने का सामान सभी चीज़ों को लेकर अलर्ट रहें। खाने की किसी भी सामान को अच्छे से धोने या बॉक्स को सैनिटाइज करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। खरीदारी करते वक्त पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। कागज की करेंसी या सिक्कों के रूप में लेन देन करने से बचें। इनके जरिए भी कोरोना वायरस आप तक पहुँच सकता है। घर के अंदर पायदान, कालीन या मैट भी संक्रमण फैलाने की वजह बन सकते हैं, इसलिए इनकी भी बारीकी से सफाई होनी चाहिए।